कुछ मेरे अप्रोच से शायद फर्क है। मेरे हिसाब से तो अंग्रेजी में लिखी हुई ये बात बहुत आसान है। हम पता नहीं कितने दिन गुजार गए हैं आर्टिकल 51 DE की तशरीह करना। ये अगर ऐसे कानून बनने लगे जो किसी को समझ ही नहीं आए और आइन भी किसी को समझ ना आए और उस पर लंबी चौड़ी तशरीह होना शुरू हो जाए, अगर हम सिर्फ इसमें ही रहे आइन में, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही मुश्किल क्या है समझने की। मैं तो आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। नहीं है क्या मुश्किल इसमें समझने की है? मेरे तो ख्याल में नहीं है, बट आप पेज 20 आप जरा पेज 16 पे चलेंगे सर, क्योंकि हम बहुत सारे मफूजों पे जा रहे हैं। देखिए हम मुश्किलात आपके अपने रूल पैदा कर रहे हैं ना, आप से मैं इसको करता हूँ। आप रूल को अगर नजरअंदाज कर दें, ठीक है ना भी करें, आइन क्या कहता है उस अगर वो आइन यूं क्यों बना है और वैसे कैसे बना है, मैंने ना उसको चेंज करना है ना शायद मेरे हिसाब से तो ये बेहतर होता तो ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, ये मेरा काम नहीं है सर। ये अगर वो जैसे आपने कहा ये शिक कई दफा बदलती गई है, एक दफा और बदल लेंगे, नेशनल असेंबली यकीनन सीखती है ना, बदलते जाते हैं ना, ये पैटर्न बेहतर है वो पैटर्न बेहतर है ये पैटर्न बेहतर। अब जब भी जो पैटर्न मेरे सामने आएगा मैं उसी को देखूंगा। आपको दो रियल मैं अपनी कोई सोच हो अपना मेरा कोई नजरिया हो मैं उसको आइन के ऊपर मुंसिल कर दूंगा जी यूं होना चाहिए, क्योंकि मेरी अकल और दानिश ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड वक्त काफी लगा रहे हैं, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मैं दो चीजें एक्सप्लेन करता हूं। इतना मुश्किल काम है तो नॉट कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुल्क आज की नेशनल असेंबली का भी बता देता हूँ और आज की इसमें इसकी रेलेवेंस क्या है, क्या ये होता तो वो होता तो फलना होता। ये जरा देखिए ये इस सवाल का रिस्पॉन्स है पेज 16 पे, बलूचिस्तान की आज की एग्जाम्पल लेंगे तो जवाब आ जाए। ले रहे हैं एग्जाम्पल सर, मैं इसलिए ले रहा हूं क्या देना चाहते हैं सर, पॉइंट मैं तो पॉइंट अपना जो दे चुका हूं, पैटर्न चेंज हो जाए तो हो जाए, हम तो आइन पे चलेंगे ना, ऐसी चेंज हो जाए या ना चेंज हो मुझे क्या। पॉइंट आई एम मेकिंग माय लॉर्ड इज दैट इंडिपेंडेंट, हमें ये तो नहीं कहते अच्छा पैटर्न चेंज होता है तो मैं आइन को चेंज कर देता हूं, तो इसकी एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये नहीं होने पा रहा, मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूं सर, सिंपल एग्जाम्पल 2018 वाला क्यों नहीं हमें दे रहा है सर, वो आपके लिए लेकर आ जाता हूं। मैं आपको हमारे सामने मैं ले ले आऊंगा सर, आप जरा मेरी कैलकुलेशन है इसना, आप 2024 की बहुत, अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज तो बहुत आसान हो जाता, लेकिन मुझे मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। मुझे ये सारी किताबें पढ़ी हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते हैं।